आज हम मैथ की नोटबुक में करेंगे 1 to 6 का रिवीजन वर्क. ओके, ये देखिए मैं आपको बताऊंगी. स्टैंडिंग लाइन 1, कर्व स्लिपिंग लाइन 2, 3 के लिए हम बनाएंगे फर्स्ट कर्व सेकंड कर्व 3, 4 के लिए हम करेंगे स्टैंडिंग लाइन स्लिपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन 4, 5 के लिए हम बनाएंगे स्लिपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन कर्व हाफ कर्व 5, और 6 के लिए हम बनाएंगे स्लैंटिंग लाइन हाफ कर्व 6. ओके, इस तरह से आपको देखिए 1 2 3 4 5 6 बनाना है. फिर से हम देखिए बनाते हैं. स्टैंडिंग लाइन 1, 2 के लिए हाफ कर्व स्लिपिंग लाइन, बॉटम लाइन को टच करते हुए हमें लिखना होगा, बॉक्स से बाहर नहीं आना है. 3 के लिए बनाएंगे फर्स्ट कर्व सेकंड कर्व 3, 4 के लिए स्टैंडिंग लाइन स्लिपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन 4, 5 के लिए स्लिपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन कर्व 5, स्लैंटिंग लाइन कर्व 6. ओके, फिर से हम बनाएंगे 1 स्टैंडिंग लाइन 1, फिर हम बनाएंगे 2 हाफ कर्व स्लिपिंग लाइन 2, 3 के लिए हम बनाएंगे फर्स्ट कर्व फिर सेकंड कर्व 3. ओके, 4 के लिए हम बनाएंगे स्टैंडिंग लाइन स्लिपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन 4, 5 के लिए हम बनाएंगे स्लिपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन हाफ कर्व 5, 6 के लिए हम बनाएंगे स्लैंटिंग लाइन हाफ कर्व 6. ओके, इस तरह से आपको 1 to 6 नोटबुक में पूरा पेज फिल करना है रिवीजन वर्क का. ओके, ये देखिए, फिर से देखिए 1 2 3 4 5 6. ओके, पूरा पेज आपको फिल करना है 1 to 6 का रिवीजन वर्क. थैंक यू.